पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज होगी बड़ी बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का सत्र, सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट को लेकर होगी चर्चा। शहीद दिवस पर दिखेगी महागठबंधन की ताकत, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी कार्यक्रम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, 31 जुलाई को होगा समापन। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा, आज दो बीजेपी सांसद पार्टी में होंगे शामिल, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। बांसुरी स्वराज के खिलाफ दिल्ली एससी पहुंचे सोमनाथ भारती, नई दिल्ली से उनके चुनाव को दी चुनौती। केरल में निपाह वायरस का बड़ा खतरा, 60 लोग हाई रिस्क पर, रोकथाम के उपाय तेज। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही घटनाओं पर एलजी ने की हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 भारतीय छात्र लौटे त्रिपुरा, अब तक 1000 से ज्यादा की हो चुकी देश वापसी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर, 27 मरीजों की गई जान, हरकत में आया प्रशासन। इसराइल ने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर किया हवाई हमला, कई लोगों की गई जान और 80 से ज्यादा घायल। मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई, ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोला। नेपाली संसद में विश्वास मत, आज पीएम ओली की जीत तय। अमेरिका में स्कूल टीचर पर छात्र को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इमरान की पार्टी पर ढाया कहर, पीटीआई के 4 सदस्यों का किया अपहरण। कंबोडिया में साइबर अपराध में फंसे 14 भारतीयों को बचाया, लोगों को भारत वापस लाने में जुटा दूतावास। ईपीएफओ अधिकारियों ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जताई चिंता, अपग्रेड और सुधार की जरूरत। पहली छमाही में घरेलू कारोबारी भरोसा सूचकांक बढ़ा, 30% कंपनियां नई नियुक्ति करने की तैयारी में। गुड्स एक्सपोर्ट में भारत ने दर्ज की दोहरे अंक की वृद्धि, टॉप मार्केट बना हुआ है अमेरिका। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों को बदला गया रूट।